गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन विद योर फैमिली। सो वंस अगेन वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 8, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 1 पार्ट 2। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज दैट आर एसेंशियल इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पौधे और पशु वीक हो जाते हैं, यूजफुलनेस हो जाते हैं, मीन्स कमज़ोर हो जाते हैं, उनके सुधार के लिए, इम्प्रूविंग मीन्स सुधार, उनके सुधार के लिए हमें बहुत सारे गतिविधियों की आवश्यकता होती है, स्पेशली एग्रीकल्चर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ, द फर्टिलाइजर्स आर यूज, हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट आर रिमूव्ड और किल्ड। प्लांट्स की हमें अगर यूज प्लांट्स को हमें यूज़फुल बनाना है और उसकी इम्प्रूविंग करनी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिएगा? प्रिपेयर फॉर सॉइल इज़ प्रिपेयर, मिट्टी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। द फर्टिलाइज़र आर यूज, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। जो पौधों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको हटाना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है। द फीड ऑफ द एनिमल्स एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ। और अगर हमें पशु को यानी कि जब एनिमल्स को यूज़फुल बनाना है तो उनको अच्छा चारा वगैरह खिलाना पड़ता है, उन्हें उनके शेल्टर में मीन्स उनको तबेले में रखकर उनकी ध्यान करनी पड़ती है, अच्छे से उनको अपने केयर में रखना पड़ता है। द यूज़फुल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोविंग सिलेक्टेड क्वालिटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेराइटीज ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग। हाई ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड इन इंक्रीज देयर यील्ड। अगर हमें प्लांट्स की यूज़फुलनेस बढ़ानी है या उसको उपयोगी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब अच्छे बीजों को लगाना पड़ेगा जिससे प्लांटिंग जो होगी वो अच्छे से होगी, अच्छे प्लांट मिलेंगे। और अगर हम ख़राब बीज लगाएंगे तो हमें ख़राब पौधे मिलेंगे। इसी तरह से अगर हमें एनिमल्स के लिए अच्छे से अच्छा नस्ल चाहिए तो हमें हाई ब्रीड्स मीन्स उच्च नस्लों के एनिमल्स को पालना पड़ता है, रेयर्ड मीन्स पालना, तो उसको पालना पड़ता है ताकि उससे उसकी इंक्रीजिंग हो, बहुत सारे उससे इंक्रीज हो, बहुत सारे पशु बढ़ते हैं उसमें। हाई ब्रीड ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड टू इंक्रीज देयर यील्ड। और उन अगर हम अच्छे नस्लों के एनिमल्स को पालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी मात्रा में हमें बहुत सारे पशु मिलेंगे, इंक्रीज होगी उनकी मात्रा। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेट इज़ नोन एज फील्ड। आपने देखा होगा, आप जिस तरह की जानते हैं कि जिस लैंड पर, जिस भूमि पर कल्टीवेट मीन्स खेती की जाती है, वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? खेत। इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन ईयर, अगर आप अलग अलग टाइमिंग में विजिट मीन्स देखना या उसमें सफ़र करना या उसको हर साल में जाकर अलग अलग टाइमिंग में देखेंगे तो वी कैन फाइंड, हमें मिलता है दफे वी कैन फाइंड, हमें मिल सकता है। द फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, जो फार्मर परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में करते हैं, उनकी गतिविधियाँ अलग अलग होती है। एक साल में वो किससे कर रहे हैं, अगले साल में उन्होंने दूसरे उपकरण का यूज़ किया। लाइक प्रिपेयर द सोइल, जैसा कि सोइल को प्रिपेयर करने के लिए सोविंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड, मिट्टी को किस तरह से सोइल तैयार किया जाता है, किस तरह से बीज को उगाया जाता है या बोया जाता है, सोविंग मीन्स बोना और वाटरिंग द फील्ड, पानी किस तरह से उस खेत में दिया जाता है। वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मैच्योर, जब कोई फसल पक जाती है या बनकर तैयार हो जाती है, द फार्मर्स हार्वेस्ट देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स। और फिर फार्मर्स क्या करता है, उसको काटने के बाद स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है या अलग अलग उनको अन्न में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। और ये जितनी भी चीज़ें उसमें होती है, जितने भी प्रोसेस होती है, उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में लिया जाता है या कहा जाता है। इफ़ यू हैव एवर सीन ए ट्रैक्टर इन ए फील्ड, इफ़ यू हैव सीन, अगर आपने देखा होगा एक ट्रैक्टर को खेत में, यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड, तो आपने कॉमनली एक मशीन देखी होगी जो उसमें ट्रैक्टर में लगी हुई रहती है फील्ड को या खेत को हाँकने के लिए। फार्मर्स यूज ऑल काइंड ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स इजियर। फार्मर्स कई प्रकार की मशीनें यूज़ करता है, किस लिए? क्रॉप्स इजियर,
ग्रोविंग क्रॉप्स ईजियर, ताकि अच्छे से अच्छी फसल आसानी से उग सके. द टूल्स रिक्वायर्ड इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कल्टिवेट ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. और ये जितने भी उपकरण इसमें यूज होते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है. सम ऑफ दिस इम्प्लीमेंट्स आर यूज विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक ग्लोव्स एंड कैमल्स. अभी अभी हम लोगों ने देखा है टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो इसमें ट्रैक्टर वगैरह से खेतों को हाँका जाता है. लेकिन पहले क्या किया जाता था, बैलों के द्वारा या कैमल्स ऊँटों के द्वारा खेतों को हाँका जाता था. दिस डे इन दिनों में ट्रैक्टर आर हार्वेस्ट आर बीइंग यूज्ड बाय मैन इफ द वर्क. अभी आपने देखा होगा कि हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर में एक मशीन का यूज़ किया जाता है. द प्लांट्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड इन बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ अवर पॉपुलेशन. फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर ऑन यूज एंड ऑल्सो फॉर प्रॉफिट. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड द क्रॉप्स एंड क्लासीफाई एज सीरियल्स पल्सेस ऑयल क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन. आपने देखा होगा अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, जैसे सीरियल्स है ना जो यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स अलग अलग मात्रा में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है उनको. एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी थर्ड, ये आप खुद देख सकते हैं. विजिट एन एग्रीकल्चर फील्ड आर सीड हाउ द वेरियस इम्प्लीमेंट आर यूज्ड. आप किसी खेत में जाकर देखेंगे कि वो कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप रीड करेंगे. हम चलते हैं पेज नंबर 7 पर. क्रॉप्स सीजन, क्रॉप्स सीजन, वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एंड टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर लाइफ सर्कल. डिपेंडिंग ऑन सीजनेबल कंडीशन एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर टू मेन क्रॉप सीजनेबल इन सीजन्स इन अवर कंट्री दीज आर. आपने देखा होगा कि अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग टेम्परेचर पर फसलें उगाई जाती है. आपने खुद देखा होगा गर्मी में आपको कौन सी सब्जियां मिलती है, बारिश में कौन सी आती है, अलग अलग सीजन होता है. इसी तरह से यहाँ पर टू सीजन्स की क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. जो खरीफ क्रॉप्स होती है दीज आर सो इन रेनी सीजन. खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जो कौन कौन से मंथ में आती है, फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर. जो मंथ जून में उगाई जाती है और उसको काटी जाती है अक्टूबर तक. फॉर एग्जांपल पेडी, पिज़ा, पिजन पी, अरहर की दाल जो होती है उसको पिजन पी बोलते हैं, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड खरीफ क्रॉप्स. जो ये इतनी सारी है इन सबको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. ग्राउंडनट मीन मूँगफली होता है, सोयाबीन आप जानते हैं, मेज मीन्स मक्का होती है. इसी तरह से रबी क्रॉप्स दीज आर सोन इन विंटर सीजन. इसे कब उगाया जाता है, विंटर सीजन में, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल. इसे अक्टूबर मंथ में उगाया जाता है और अप्रैल के आसपास कट कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रैम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड, ऑयल सीड एंड बेरली आर रबी क्रॉप्स. ये जितनी भी हैं वो रबी क्रॉप्स हैं. सो स्टूडेंट गुड डे एंड टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड रीड करेंगे.